सच के साथ। करंट स्टेशन से लखनऊ होते हुए कानपुर सेंट्रल तक जाने वाली वरुणा एक्सप्रेस की सेवा जल्द बहाल होगी, लेकिन इसका समय बदला रहेगा। पहले की तुलना में यह कम समय में ही अपनी दूरी को तय करेगा। बुधवार को यह जानकारी उत्तर रेलवे के महाप्रबंधक आशुतोष गंगल ने कैंट रेलवे स्टेशन पर दी। निरीक्षण करने पहुंचे जीएम ने मीडिया से बातचीत में कहा कि जल्द ही वरुणा एक्सप्रेस को नए कलेवर में चलाया जाएगा। इससे यात्रियों को सहूलियत होगी, लोग लखनऊ जल्द पहुंचेंगे वापसी में भी ट्रेन का समय बदला होगा। महाप्रबंधक अपराहन 3:30 बजे के करीब स्पेशल यान से वाराणसी पहुंचे। उन्होंने लखनऊ रायबरेली रूट पर चल रहे दोहरीकरण का निरीक्षण किया। सितंबर तक इसे पूरा करने का लक्ष्य है। जीएम ने बताया कि प्रतापगढ़ सुल्तानपुर वाराणसी रूट पर ट्रेनों की गति 2 गुनी की जा रही है। इसकी क्षमता 50 किलोमीटर प्रति घंटे से 100 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। जीएम ने बताया कि 75 सप्ताह 75 वंदे भारत के तहत उत्तर रेलवे को भी ट्रेनें मिलेगी। इस मौके पर DRM SK सापरा, ADRM रवि प्रकाश चतुर्वेदी, निर्देशक आनंद मोहन आदि उपस्थित थे। वाराणसी स्टेशन पे हम लोगों ने स्टेट ऑफ द आर्ट बिल्डिंग जो है वो तैयार है। प्लेटफॉर्म 1, प्लेटफॉर्म 6-7, प्लेटफॉर्म 8-9 इनका काम जो है वो कंप्लीट हो गया है। और 10-11 प्लेटफॉर्म एक नया यार्ड रिमॉडलिंग में बनाया जाएगा। उसके अलावा 2-3 और 4-5 इन प्लेटफॉर्म्स में हमें कुछ मॉडिफिकेशन करने पड़ेंगे। एक प्लेटफॉर्म 2-3 की विड्थ बहुत कम है और 4-5 की विड्थ थोड़ी ज़्यादा है, तो उन दोनों को बराबर करके एडिक्वेट विड्थ के नए प्लेटफॉर्म तैयार हो जाएंगे। और उसके अलावा सर्कुलेटिंग एरिया का डेवलपमेंट हो गया है, पार्किंग सब तरह की व्हीकल्स के लिए प्रोवाइड कर दी गई है। ये मोटे तौर पर ये हम लोगों ने इम्प्रूवमेंट्स बनारस में करे हैं। उसके अलावा सेकेंड एंट्री और फेज 2 का काम की बातचीत होती रही है। उसमें हम लोगों ने कंसेप्ट प्लान बना के रेलवे बोर्ड भेजा है। जब DPR का अप्रूवल हो जाएगा तब उसमें आगे और प्रक्रिया में सैंक्शन के लिए और उसके बाद कार्य करने के लिए कदम उठाए जाएंगे। पर्यटन को लेकर के आप लोग क्या कर रहे हैं, किसके बारे में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए? देखिए, रेलवे कैरियर है तो कैरियर के तौर पे हम लोग अपनी जिम्मेदारी समझते हैं कि हम लोग एक फास्ट ईजी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करें। तो इसमें आपने देखा होगा कई ट्रेन्स में हम लोगों ने स्पीडिंग अप करी है और उस स्पीडिंग अप से लोगों को सुविधा बढ़ी है। उसके अलावा LHB ट्रेन्स इंट्रोड्यूस करने से कन्वीनियंस फैक्टर बढ़ा है और हमें आशा है कि इस सबसे लोगों के लिए आना जाना ईजी हो जाएगा और पर्यटन बढ़ावा बढ़ेगा। लेकिन अभी कोविड प्रोटोकॉल के चलते हुए आपको भी मानना पड़ेगा कि अभी पर्यटन के लिए शायद उपयुक्त समय नहीं है, लेकिन रेलवे अपनी तैयारी पूरी कर रही है। सच के साथ।